इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं करता हुआ आपको मैं पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप राजस्थान ये लोकतंत्र की खासियत है आज यहाँ एक मंच में सब बैठे हुए हैं कांग्रेस बीजेपी कोई हो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर विचारधारा की लड़ाई है सबको अधिकार अपनी बात कहने का और मैं समझता हूँ वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम भाईचारा प्यार मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ कहता भी हूँ एक बार लिचिंग हो गई थी मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है वही भावना हम सब होनी चाहिए आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे अखंड रहे जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गए में खालिस्तान नहीं बनने दिया राजीव गांधी शहीद हो गए हमारे इतिहास कहता है कि हम सब मिलकर चलेंगे तो ये देश एक रहेगा अखंड रहेगा विश्व गुरु बनने की बात होती है कभी बन भी जाएंगे इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम के नहीं है विकास को रोकती है हिंसा हमेशा चाहे परिवार की हो गांव की हो प्रदेश की हो देश की हो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रहे के रखे बांध के रखे पक्ष हो या विपक्ष हो बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर की सेवा करेंगे